हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आरके सिंह। तो दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे मैथमेटिक्स वन एंड चैप्टर चल रहा था कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब जो वन होता है उसके अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें तीन रूट देखने को मिल जाएगा। तीन रूट जिनमें से एक होगा रियल एंड बाकी दो होगा इमेजिनरी। इमेजिनरी बोले तो कम्प्लेक्स, ठीक है ना? तो इसीलिए ये वाला पार्ट आ जाता है हमारे कम्प्लेक्स नंबर पे। ओके, तो चलो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म कर लेते हैं। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी का क्यूब रूट्स। ओके, सबसे पहले तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम। हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं दोस्तों? दैट द क्यूब रूट ऑफ रूट ऑफ वन इज एक्स। तो एक्स का जो क्यूब रूट होगा वो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स है। ओके, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग वन का क्यूब रूट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? कुछ ऐसा मिलेगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसका क्यूब रूट निकाले हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इक्वल टू एक्स, एंड हम लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम लोग अगर इसका क्यूब बना देते हैं तो क्या होगा? चलो इसको इधर को भी क्यूब लगाते हैं एंड इधर को भी क्यूब लगाते हैं। ओके, तो इसका क्यूब रूट एंड ये क्यूब उठ जाएगा। ओके, तो रहेगा वन एंड इधर रहेगा एक्स क्यूब। सो और हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स क्यूब माइनस वन कर सकते हैं, इजिकल टू क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। ठीक है, इस वन को उधर उधर ले जाओ तो एक्स क्यूब माइनस वन होगा, इजिकल टू ज़ीरो रहेगा। अब यहाँ पे इसको जो है हम लोग फॉर्मूला पे लगा सकते हैं, वन का क्यूब कर देते हैं। वन का क्यूब क्या होगा भैया? वन ही होगा। तो ऐसा हो गया, इजिकल टू ज़ीरो हो गया। एंड इसका अगर हम लोग क्यूब जो है फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट रिमेंबर करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा, दैट इज़ द फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से देखो दोनों टर्म्स के जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। तो हो सकता है कि ये ज़ीरो हो या फिर ये ज़ीरो हो। चलो अब एक एक करके हम लोग लेते हैं। इधर हो सकता है कि एक्स माइनस वन इजिकल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स इजिकल टू वन। ठीक है, तो एक वैल्यू जो है मिल गया हमें। और क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इजिकल टू ज़ीरो। तो इसका अगर सोल्यूशन निकालेंगे, एक्स इजिकल टू क्या होगा? माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर वन माइनस फोर एंड टू पॉइंट वन। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला है? श्रीधर आचार्य, ठीक है, श्रीधर आचार्य जी का जो फॉर्मूला है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द वैल्यू। ओके, ठीक है, माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर वन का स्क्वायर होगा, तो वन लिखा मैंने उधर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था श्रीधर आचार्य जी का? फॉर्मूला कुछ ऐसा था, अगर हमारा इक्वेशन जो है कुछ ऐसा आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू ज़ीरो, तो x का जो वैल्यू रहेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी बाई टू ए। दिस इज़ द फॉर्मूला श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला यही है। ओके, यही फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। तो इधर माइनस थ्री निकलेगा एंड ये टू निकलेगा। ओके, माइनस प्लस माइनस, एंड यहाँ पे अगर माइनस को बाहर निकालना चाहेंगे तो आई निकल जाएगा। ओके, एंड टू। ठीक है, तो यहाँ पे x का हमें वैल्यू मिला है। अब यहाँ पे भी दो वैल्यू मिलेगा, वन वैल्यू, फर्स्ट नंबर वन वैल्यू x इजिकल टू क्या होगा? माइनस वन प्लस रूट ओवर, सॉरी, प्लस के बाद i फिर रूट ओवर थ्री। ठीक है, नीचे टू। और दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा? माइनस वन, अभी यहाँ पे प्लस माइनस था तो माइनस हम लोग लेंगे इस बार। ठीक है,
तो दिस इज द रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके, एंड दिस आर द इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि एक्स का वन का जो क्यूब रूट है, ठीक है, नॉट एक्स, हम लोग वन का निकाल रहे थे ना, तो वन का जो क्यूब रूट है वो तीन निकला है, तीन में से एक है रियल एंड दो है आपका इमेजिनरी। तो इसको लेके आगे हमें बढ़ना है अभी, ठीक है। चलो तो फिलहाल इसको हम लोग कर देते हैं वैनिस, इसको जो है हम लोग कर देते हैं वैनिस। चलो आप लोग जो है एकदम बिल्कुल शांत दिमाग से समझिए कि क्या क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर मैथ जाके जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। थोड़ा सा शांत दिमाग के साथ समझिए, एंड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्लास को रिपीट करके देखिए, आई थिंक समझने में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सो अभी हम लोग क्या देखे हैं, अभी अभी जस्ट अभी अभी हम लोग देखे हैं कि यूनिटी के मतलब वन के तीन क्यूब रूट होते हैं, ठीक है। ये तीन क्यूब रूट क्या क्या हुए हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। ओके सबसे पहला एक तो आता है वन, दूसरा आता है आपका माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू, एंड तीसरा आता है माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू। तो ये तीन आते हैं, ठीक है, ओके, जिसमें से ये है रियल, रियल एंड दिस आर द इमेजिनरी, ओके, दिस आर द इमेजिनरी। अभी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि वन ऑफ द इमेजिनरी क्यूब रूट इज द स्क्वायर ऑफ अनदर इमेजिनरी क्यूब रूट, ठीक है। तो एक जो इमेजिनरी क्यूब रूट है किसी में से एक आप ले लीजिए, ये एक क्या होगा इसका दूसरे का स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी इसको मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वो हमारे पार्ट नहीं है, प्रूफ करना हमारा यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, एंड वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। सो हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि एक अगर ये होता है, इसको अगर हम मानते हैं तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। आप लोग खुद से जो है ट्राई कर सकते हैं इसको, ओके, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं, ओके सो ठीक है। अभी दूसरा चले जाते हैं, दूसरा क्या है, इफ वन इमेजिनरी क्यूब रूट इज टेकन एज ओमेगा, ओके, देन अदर विल बी क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो अगर हम लोग मान लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू, देन ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू, ओके, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा प्रॉपर्टी, एंड नाउ गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी, देन हम लोग उसके बाद देखेंगे जितने भी प्रॉपर्टीज है, एक एक करके देख लेते हैं पहले, ओके, ठीक है। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ओमेगा। देन चौथा
द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स इज वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करते हैं तो ये वन होगा, मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। तो दिस आर द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखनी है, पहला तो ये बात, दूसरा ये बात। ठीक है, ओके, दूसरा ये बात देख लो, अच्छी तरह से देख लो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो होगा, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी कैन राइट, देखो वन के बदले में अगर ये लगा देंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, वन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बात भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ये जो है मैथमेटिक्स में ना ये सभी ट्रिक्स बहुत काम पे आते हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत काम पे आते हैं। चलो फिलहाल आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है लिख लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आगे अभी हम लोग चलेंगे अपना मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व। ठीक है, एंड इस पार्ट में लगभग 5 क्लासेस आ सकता है। ठीक है, 5 क्लासेस इसी हफ्ते के अंदर सारे क्लासेस हो जाएगा। ओके, एंड जो है हम लोग इसी हफ्ते के आखिर मतलब संडे या फिर सैटरडे को जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अभी देखो 3 दिन से कोई क्लास हो नहीं पाया था, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे लोकल में फंक्शन चल रहा था, एंड साउंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्लासेस को 3 दिन बाद ही कर लेते हैं शूट, तो आज मौका मिला है, आज सुबह तक फंक्शन था, तो सुबह जो है फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड एक दिन और होगा नाइट को, मतलब शाम के वक्त जो होगा, तो उस दिन जो भी दिन होगा ना, तो उस दिन का क्लास पोस्टपोन कर देंगे। चलो, तो फिलहाल अभी हम लोग करते हैं एक प्रॉब्लम, कहा गया है सो दैट पहला क्वेश्चन आज का, सो दैट क्या कहा गया है, 1 by 1 plus 2 ओमेगा माइनस 1 plus ओमेगा। ठीक है, प्लस 1 by 2 plus ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा जो है कहा गया है, अब ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा प्रूव करने के लिए कहा गया है, सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर तो 0 है ना, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले, तो मैथ को जो है स्टार्ट कर लेता हूँ इधर, प्लस 1 by 2 plus ओमेगा। ओके, अब थोड़ा सा रिमेंबर करो कि हम लोगों ने अभी भी क्या सीखा, जस्ट अभी अभी हम लोगों ने सीखा, ऐसा कोई कंडीशन था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग जो है कर सकते हैं ऐसा कि ये जो ओमेगा है ना, अच्छा पहले तो मैथ को चेक कर लेता हूँ कि सही लिखा कि नहीं, 1 by 1 plus 2 ओमेगा माइनस 1 by ओमेगा। ठीक है, एंड उधर हो गया आपका 2 plus ओमेगा। ठीक है, मैथ तो एकदम सही लिखा, तो चलो अभी जो है स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये दोनों चीज़ें जो है हम लोग जानते हैं, इसी दो चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे इससे, जैसे अगर 1 plus ओमेगा plus ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग 1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बाकी चीज़ों को जो है हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके, एंड अगर हम लोग यहाँ से ओमेगा निकालना चाहते हैं तो बाकी चीज़ों को जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो बाकी चीज़ों को जो है हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, मतलब समझ में आया, पहला वाला कंडीशन क्या था हमारा, 1 plus ओमेगा plus ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ से अगर हमें 1 निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना है, मतलब 1 का जगह पे ये बाकी रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से 1 को रख दिया मैंने और बाकी चीज़ों को उधर ले गया, तो माइनस हो गया। वैसे ही अगर ओमेगा को रख के बाकी चीज़ों को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को रख के इधर हम लोग ले जा सकते हैं। ओके, चलो तो यही काम यहाँ पे बिल्कुल करना है। ओके, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे,
वन का वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पे लगाएंगे, तो वन का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा हो गया, इसके बाद माइनस। ओके सो देखो वन प्लस ओमेगा बोले तो क्या, वन प्लस ओमेगा बोले तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ ये वाला चीज़ रहेगा, इसको उधर ले जाओ, तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस अभी टू को रख देते हैं एंड हम लोग ओमेगा की जगह पे ये लिखते हैं वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया क्या, देखो ऊपर तो वन रहेगा एंड टू ओमेगा से एक ओमेगा चला गया, तो फिर एक ओमेगा रहेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ओके फिर ये माइनस एन, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ रहेगा ओमेगा का स्क्वायर। ओके प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू से एक चला गया तो एक ओमेगा स्क्वायर। ओके नाउ लेट्स डू द, अब देखो ऐसा तो हमारे पास कुछ भी था नहीं, ऐसा हमारे पास तो कुछ भी था नहीं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको जो है ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर ओमेगा आएगा एंड यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, एंड इसको हम लोग ऐसे ही जो है रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा से, तो ऊपर ओमेगा रहेगा एंड नीचे ओमेगा क्यूब रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर था तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है इसको माइनस कर देते हैं एंड ये पलट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि साइन हम लोगों ने चेंज करा यहाँ पे, तो ये माइनस आ जाएगा। ओके बाकी इधर देखो ओमेगा हो गया इधर, ठीक है, एंड यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है, वन, ठीक है। बाकी इस चीज़ को ले आते हैं इधर, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन प्लस रहेगा इधर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू है वो वन है, तो ये ओमेगा रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को एलसीएम कर दो तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस वन एंड नीचे होगा, ऊपर होगा ओमेगा माइनस वन एंड प्लस यहाँ पे दिया मैंने ओमेगा। चलो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पसीना पसीना हो रहा हूँ इधर, कोई बात नहीं, और एक मैथ करेंगे इधर। ओके सो नाउ वी हैव ओमेगा माइनस वन एंड नीचे जो है ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, तो वन का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि वन का हमारा पावर हम लोग जो भी लगाए वो हम लोगों को वन ही मिलेगा। ओके तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, प्लस ओमेगा रहेगा इधर, तो ये वाला चीज़ एंड ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ कट हो जाएगा। ओके सो रहेगा क्या, वन एंड नीचे रहेगा ओमेगा प्लस वन प्लस ओमेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स जस्ट डू इट, एलसीएम कर दो तो यहाँ पे मिलेगा ओमेगा एंड ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। अब कंसेप्ट समझ में आया, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं तो आप लोगों को क्लियरली जो है देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर जो है ये वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है बोलो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ज़ीरो भाई, ज़ीरो बटा समथिंग बोले तो ज़ीरो, ज़ीरो बटा समथिंग क्या हो जाता है, लुल हो जाते हैं। ओके सो ज़ीरो हो जाएगा वदर। चलो तो ये है आज का हमारा पहला प्रॉब्लम एंड और एक प्रॉब्लम आज कर लेते हैं, देन उसके बाद कल से जो है हम लोग, मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग प्रोफेशनली इस चैप्टर पे घुस जाएंगे। ओके फिलहाल आज हम लोगों ने थ्योरी समझा, कंसेप्ट समझा एंड आज का वीडियो जो है छोटा रखते हैं, क्योंकि तीन दिन बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है गर्मी ज़्यादा लग रहा है, मतलब गर्मी भी बैठ गया, गर्मी भी आ गया ना, दिन के वक्त क्लास शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलो अब इसके बाद करेंगे क्या, ये वाला मैथ करते हैं सो दैट, अरे यार कुछ पहले तो पूछना पड़ेगा, सो दैट
दूसरा क्वेश्चन, वन माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस ओमेगा का फाइव, वन माइनस ओमेगा का फाइव, वन माइनस ओमेगा का टेन, ठीक है, इज इक्वल टू कहा गया है, होगा क्या, नाइन होगा आंसर। ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम लोग ओमेगा क्यूब तक का वैल्यू जो है जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ओमेगा फाइव कहाँ से आ गया, ओमेगा टेन कहाँ से आ गया, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर आई टेन देता, आई नाइन देता, आई फाइव देता तो फिर ईजी था, क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया ना। अब यहाँ पे देखो ये भी ईजी है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा एन वन माइनस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे जो वन माइनस ओमेगा फाइव है तो ओमेगा फाइव को हम लोग कुछ इस तरह से जो है बांट सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा ऐसे जो है बांट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर्स तो ऐड हो जाएंगे ना। यहाँ पे तीन एंड दो मिलके पाँच हो जाएगा, यहाँ पे तीन 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 नौ, नौ एंड एक दस हो जाएगा। तो ऐसे बांटे हैं हम लोगों ने, क्योंकि ओमेगा ओमेगा क्यूब के हम लोगों ने हिसाब से बांटे हैं, क्यों, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये जानते हैं, तो मैथ हमारा इजी हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस हम लोगों ने ऐसा करा। तो चलो इसको फिर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे क्या निकलेगा, वन वन माइनस ओमेगा का स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि यह तो वन हो जाएगा ना, एंड यहाँ पे वन माइनस ओमेगा निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अब कंसेप्ट समझो, अब जो है कंसेप्ट समझ लो आप लोग। अब कंसेप्ट क्या है, ये वाला चीज़ दो बार दो बार है, ये वाला चीज़ भी दो बार है। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पे लगाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये होगा वन टू ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये होगा वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का फोर, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। ये हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला पे अप्लाई किया, या फिर फॉर्मूला पे अप्लाई किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है। चलो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी एक चीज़ का जो है वैल्यू लगा सकते हैं, किसी एक चीज़ का, जैसे कि यहाँ पे लगाते हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, वन प्लस ओमेगा माइनस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखते हैं वन, एंड ये क्या होगा बोलो, ओमेगा फोर, ओमेगा फोर को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा वन, ठीक है, ये ओमेगा फोर होगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ओमेगा वन ही आएगा, तो इसको लिखते हैं प्लस ओमेगा वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू बताओ, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हम लोग जानते हैं, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तो ये हो जाएगा ऐसा, अगर वन प्लस ओमेगा रखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है ना। देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे माइनस ओमेगा, एंड माइनस टू ओमेगा ऑलरेडी था, यहाँ पे देखो वन प्लस ओमेगा बोले तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड माइनस टू ओमेगा स्क्वायर तो पहले से था, ठीक है, काफ़ी सिंपल मैथ है। एंड ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, थ्री ओमेगा हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस थ्री ओमेगा का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस, एंड थ्री थ्री हो जाएगा नाइन, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू जानते हैं हम लोग वन, तो आंसर रहेगा नाइन, तो दिस इज प्रूव्ड, ठीक है, काफ़ी सिंपल था ना। चलो फटाफट से इसको कर लो, काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड जो है ये है नहीं, तो फिर जल्दी जल्दी से कर लो इसको सॉल्व। आगे हम लोग और भी सारे मैथ जो है करने वाले हैं, ठीक है, मतलब इस चैप्टर से ना बहुत सारे मैथ्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है भी बहुत सारे मैथ्स, और चार से पांच क्लास आ सकता है इस चैप्टर से। एंड इसका जो पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो डी मोवियर्स थ्योरम है, ठीक है। चलो तो ये वाला हो गया, अब यहाँ से जो है आज का क्लास को हम लोग करते हैं समाप्त, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग छः से सात मैथ जो है इस तरह के करने वाले हैं। फिलहाल आप लोग जो है थोड़ा सा
कंसेप्ट को समझिए एंड ये दो मैथ को थोड़ा सा ट्राई कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैथ दे देता हूँ, ठीक है, छोटा सा जो है मैथ दे देता हूँ, आप लोग क्या करिएगा एक घर में जो है ट्राई करिए, ठीक है। कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया है किस तरह से करना है, बस आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। और इसको जो है मैं भी कराऊंगा, इधर भी कराऊंगा, वन माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस ओमेगा का फोर एंड वन माइनस ओमेगा का एट, वन माइनस ओमेगा का पावर एट इजिकल टू नाइन, प्रूव करूँ, ठीक है, इसको करना है प्रूव, प्रूव दैट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो तो क्लास को करते हैं एंड, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।